बीकानेर के हुसंगसर गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां ओवरलोड पिकअप गाड़ी पलटने से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद सड़क पर चीख पुकार मच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर बिछवाल थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों की मदद से घायलों को PBM के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार यह हादसा बीकानेर के हुसंगसर व गैरसर गांव के बीच हुआ। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के सभी सदस्य शादी की खरीदारी के लिए पिकअप गाड़ी में सवार होकर हुसंगसर से बीकानेर आ रहे थे। इसी दौरान बीच रस्ते में अनियंत्रित होकर गाड़ी पलट गई, जिस गाड़ी में सवार 65 वर्षीय मांगीलाल और उसका पोता 11 वर्षीय मोहन राम व 9 वर्षीय सुमन की मौके पर मौत हो गई। इन तीनों का शव PBM अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं 18 घायलों का PBM अस्पताल में इलाज चल रहा है। हुसंगसर और गैरसर गांव के बीच में सिंगल रोड थी, उसमें एक गांव के लोग बीकानेर शहर में कोई शादी का सामान लेने आ रहे थे। एक ही परिवार के लोग हैं और अचानक पिकअप पलटा खा गई, जिससे एक बच्ची की तो मौके पर ही डेथ हो गई और 2 लोगों की कैजुअल्टी है वो यहाँ PBM हॉस्पिटल में डिक्लेयर हुई है। बाकी 13-14 और इंजर्ड हैं, उनका इलाज चल रहा है, वो बाकी सकुशल हैं और पुलिस बयान वगैरह पंजीबद्ध करने का काम कर रही है। नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतनी सारी तो मुकदमा दर्ज होगा तो जो MV Act का और दुर्घटना का जो अपराध होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि हादसे के बाद अस्पताल में दाखिल कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि कुछ के हाथ व पैर में फ्रैक्चर होने के कारण उनका इलाज जारी है। वहीं घायलों में 9 बच्चे शामिल थे, जिनकी उम्र 9 से 12 साल के बीच बताई जा रही है। वहीं मामला दर्ज कर पुलिस ने मामले में नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद की रिपोर्ट।